डॉक्टर कमला जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यूनियन कैबिनेट के मंत्री, सोसाइटी के अध्यक्ष, मेरे साथी श्री दिनशा पटेल जी, यूनियन कैबिनेट में ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मंत्री श्री भरत सिंह सोलंकी जी, सब भारत और गुजरात के एक महान सपूत के सम्मान में यहाँ इकट्ठा हुए। मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। सरदार साहब हमारे देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आज़ादी के बाद भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में राजाओं और नवाबों की 500 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल करने का काम का नेतृत्व किया। भाई और बहनों, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज दुनिया जिस एक और अखंड भारत को जानती है उसकी बुनियाद रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी इच्छा शक्ति और शासन क्षमता अनोखी थी और इसीलिए उन्हें लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल जी का नज़रिया पूरी तरह से सेकुलर था। उन्हें भारत की अखंडता में गहरा विश्वास था। उन्होंने कहा था कि पूरा भारत उनका गांव है और सभी संप्रदाय के लोग उनके दोस्त और रिश्तेदार हैं। सरदार पटेल जी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। उनका जन्म गुजरात के एक ग्रामीण इलाके में हुआ। उन्होंने हमेशा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और ख़ास तौर पर किसानों की भलाई के लिए उम्र भर काम किया। खेड़ा, बरसात और बारदोली के किसानों की उन्होंने जिस तरह से संघर्ष करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल किया उसे आज भी याद किया जाता है। भाई और बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सरदार पटेल जैसे नेता के काम और जीवन से सीख और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, सरदार पटेल का संबंध भी उसी राजनीतिक दल से रहा। उन्होंने जिंदगी भर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम किया। वो कांग्रेस के कराची सेशन में पार्टी के अध्यक्ष भी चुने गए। हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की जनता को और ख़ासकर नौजवानों को सरदार पटेल के जीवन और उपलब्धियों से और बेहतर तरीके से वाकिफ कराएं, ताकि वो उन आदर्शों और मूल्यों को अपना सकें जिनका पालन सरदार पटेल ने जीवन भर किया। मेरा मानना है कि आज जिस म्यूज़ियम का उद्घाटन हो रहा है वो इसी दशा में काम करेगा। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष और मेरे कैबिनेट साथी श्री दिनशा पटेल और उनकी टीम को म्यूज़ियम के निर्माण के लिए और राष्ट्रीय स्मारक को अपग्रेड करने के लिए हार्दिक तौर से बधाई देता हूँ। इस म्यूज़ियम में सरदार पटेल और आज़ादी की लड़ाई से संबंधित लगभग 1000 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स, सरदार पटेल के भाषण, उनके पत्र और उनके व्यक्तिगत उपयोग में आई
वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी। अब से इस राष्ट्रीय स्मारक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक 3D साउंड और लाइट शो का आयोजन भी हुआ करेगा। भाई और बहनों, आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी के बाद के कुछ वर्षों में जिन नेताओं ने हमको नेतृत्व प्रदान किया, उनका कद निश्चय ही बहुत ऊंचा था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद के बाद कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सोचकर हमें गर्व होता है। इन सभी नेताओं की सोच में बहुत सी बातें ऐसी एक जैसी थी, जैसे भारत की एकता में अटूट विश्वास, एक सेकुलर और उदार नज़रिया, गरीबों और कमज़ोर लोगों के प्रति संवेदना, सहनशीलता और अपने से अलग विचारधाराओं का आदर। मैं समझता हूँ कि आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि ये ऐसे आदर्श हैं जिनकी आज हमारे देश में कुछ कमी दिखाई देती है। इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम समय समय पर रुककर ये याद करें कि वो कौन सी महान सोच है जिसकी बुनियाद पर हमारे देश भारत का निर्माण हुआ था। मैं अपनी बात ख़त्म होने से पहले सरदार पटेल के महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ किस प्रकार के संबंध थे, इसका जिक्र करना चाहूँगा। सरदार पटेल जी का मानना था कि महात्मा गांधी उनको उसी तरह का प्यार देते हैं जैसे उन्हें अपने पिता से मिलता, और गांधी जी भी सरदार पटेल को अपने बेटे की तरह मानते थे। दोनों नेताओं ने यरवदा जेल में 1930 के दशक में 16 महीने साफ गुजारे। सरदार पटेल का कहना था कि ये 16 महीने बापू के साथ की वजह से बहुत खुशी में गुजरे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आज़ादी के बाद जो सरकार बनी उसमें सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री रहे। कई बार दोनों के बीच मतभेदों का जिक्र आता है, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के बीच सहमति के विषय कहीं ज़्यादा थे और दोनों नेता एक दूसरे के विचारों का बहुत सम्मान करते थे। इस संबंध में खुद सरदार पटेल जी के शब्दों को मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, और आई कोट, शासन और संगठन के क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याओं के बारे में पंडित नेहरू को सलाह देना मेरा सौभाग्य रहा है। मैंने उन्हें सलाह लेने के लिए हमेशा उत्सुक पाया है। हमने उम्र भर के दोस्तों और सहयोगियों की तरह काम किया है और इस स्थिति की मांग के अनुसार एक दूसरे के नज़रिए से समझौता किया है। हमने हमेशा एक दूसरे की सलाह का सम्मान किया है, और ऐसा वो लोग ही कर सकते हैं जिन्हें एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा हो। भाई और बहनों, सरदार पटेल जैसे महान नेता को शब्दों में बयान करना कोई आसान काम नहीं। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन अपनाया वो इस कोशिश में शायद कुछ हद तक कामयाब होता है। मैं उस रेजोल्यूशन के कुछ शब्द अंग्रेजी में दोहराना चाहूँगा, और ये शब्द ऐसे हैं, ए ग्रेट इंडियन एंड एन अनमैच्ड वॉरियर इन द कोर्स ऑफ फ्रीडम, ए लवर ऑफ इंडिया, ए ग्रेट सर्वेंट ऑफ द पीपल एंड ए स्टेट्समैन ऑफ जीनियस एंड माइटी अचीवमेंट। रेजोल्यूशन में आगे ये बताया गया था कि रियासतों को भारत में शामिल करने के काम में किस तरह से सरदार पटेल जी ने काम किया।
रेजोल्यूशन में कहा गया था, ही फिक्स्ड हिज गोल ए यूनाइटेड इंडिया एंड सेट अबाउट टू अचीविंग इट विद स्किल एंड डिटर्मिनेशन। मैं समझता हूँ कि सरदार पटेल का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम सब उनके सपनों को साकार करने के लिए भरपूर काम करें। मैं अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक बार फिर श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद।